यहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे नाश्ते में कचौड़ी जलेबी चल जाती है। दो कचौड़ी प्लेट का 15 रुपए प्राइस है और 12 रुपए 100 ग्राम जलेबी है। मैं गुलशन चौहान आज आ गया हूँ राधा स्वीट्स मैनपुरी। चलिए चलते हैं उसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। सर कितना टाइम हो गया शॉप को? जिस शॉप को होगा 90-91 खुली हुई है। अच्छा, हाँ। तो सर क्या क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे जलेबी कचौड़ी मिठाई वगैरह सब बनती है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे नाश्ते में कचौड़ी जलेबी चल जाती है। अच्छा, तो सर प्राइस क्या रहता है कचौड़ी जलेबी का? दो कचौड़ी प्लेट का 15 रुपए प्राइस है और 12 रुपए 100 ग्राम जलेबी है। तो सर कचौड़ी के अंदर क्या क्या रहता है? कचौड़ी के अंदर इसमें जो पिट्टी भरी हुई है इसमें वो दाल रखी हुई, दाल भरी जाएगी फिर इसे सेंका जाए। दाल उड़द की दाल होती है, उसमें मसाले वगैरह सब पड़े होते हैं। सर की शुरुआत किसने की थी आपने? अब जो तो हमारे पिताजी बैठते थे उन्होंने की। अच्छा, तो सबसे पहले क्या मिलता जब शुरुआत की तो क्या मिलता? शुरुआत में जलेबी कचौड़ी थी और दो एक मिठाई की दुकान, मिठाई की आइटम। यहाँ पे जैसे सब्जी बनाई जा रही है जो कि कचौड़ी के साथ रहती है, आलू की सब्जी रहती है। भैया कितना टाइम लग जाता है उसको बनाने में? क्या जाए 15 मिनट 15-20 मिनट लगभग। क्या क्या रहता है इसमें? इसमें आलू और वो मसाले साले पड़ते हैं इसमें। आलू सब्जी रहती है? आलू सब्जी रहती है कचौड़ी के साथ। हाँ, और छोले वोले साथ में इसमें आलू छोले रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आलू छोले की सब्जी बन रही है जो कि कचौड़ी साथ रहती है। तो प्राइस क्या रहता है उस टाइम पे? तब कचौड़ी का 5 रुपए की दो कचौड़ी। अच्छा, 5 रुपए की दो कचौड़ी। हमारी कब कचौड़ी बनने जा रही है यहाँ पे, तो देख सकते हो एकदम फ्रेश वाली यूज़ करते हैं और फिर हमारी कचौड़ी की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप भी मैनपुरी में रहते हो तो राधा स्वीट्स जाके इनकी कचौड़ी का जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहती है। तो देख सकते हो ये यहाँ पे कचौड़ी बनने जा रही है। तो भैया कितना टाइम लग जाता है उसको बनने में? 5 मिनट लगे। 5 मिनट लग जाते हैं। तो 5 मिनट में ये कचौड़ी यहाँ पे रेडी हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पे गर्मा गर्म हमारी कचौड़ी रेडी हो रही है। तो जो भी हमने यहाँ पे कचौड़ी डालती है वो ऊपर को आ गई है और अब इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, उसमें तो बढ़िया से गोल्डन कलर आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ी बन चुकी है, तब इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जलेबी का बैटर रेडी हो चुका है, अब जलेबी बनाई जाएगी। जलेबी देखो साइज़ देखो कितना छोटा रहता है यहाँ पे। तो जो इनकी जलेबी रहती है वो डालडा की बनती है और साइज़ काफ़ी छोटा रहता है। तो नाश्ते में जो इनका जलेबी और कचौड़ी का कॉम्बिनेशन होता है लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो हमारी जलेबी अब बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको चाशनी में डाल दिया जाएगा। तो अब जल्दी से इनकी कचौड़ी और जलेबी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वो टेस्ट होता है। तो अब हमारी कचौड़ी लगने जा रही है। तो सबसे पहले ये आ गई इनकी छोले और आलू सब्ज़ी और ऊपर से थोड़ा दही और ये आ गई हमारी कचौड़ी और ये आ गई हमारी जलेबी। तो फाइनली राधा स्वीट्स की फेमस कचौड़ी और जलेबी यहाँ पे लग चुकी है। तो देख सकते हो ये दो पीस इनके कचौड़ी के रहते हैं, साथ में आलू और छोले की सब्ज़ी रहती है, ऊपर से थोड़ा सा रायता डाला जाता है और ये है जलेबी। तो बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो दो कचौड़ी का प्राइस रहता है हमें 15 रुपये और साथ में ये जलेबी लगाई है मैंने, ये 50 ग्राम जलेबी है, 6 रुपये की है और अगर आपने 100 ग्राम लगानी होगी तो 12 रुपये की रहती है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई ये है इनकी कचौड़ी और अंदर रहती है इनकी दाल की फिलिंग। तो देख सकते हो ये है इनकी कचौड़ी और ये शॉप काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। जो इनकी सब्जी है जो इन्होंने रायता डाला बीच में, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है और मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती कचौड़ी आपको कहीं मिलेगी। 15 रुपये की दो कचौड़ी रहती है और बढ़िया से अगर आपने सस्ते में नाश्ता करना हो तो राधा स्वीट्स में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये जलेबी लगवाई है मैंने, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी टेस्टी है। टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? यहाँ की टाइमिंग वो रहती है 8:30 बजे करीब स्टार्ट होती है और 11 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? कंटिन्यू, कोई छुट्टी नहीं है? नहीं, कभी आ सकते हैं? नहीं, कभी भी आ सकते हैं। और एड्रेस बता दीजिए। राधा स्वीट कॉर्नर के नाम से स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड से पंजाबी कॉलोनी। तो अगर आप भी मैनपुरी में रहते हैं विजिट करो तो राधा स्वीट्स में आके इनकी कचौड़ी जलेबी जरूर ट्राई कीजिए। मुझे नहीं लगता इससे सस्ती चीज़ आपको कहीं और मिलेगी और आप बढ़िया से 10-15 रुपये में नाश्ता कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।